और ये है मेरा आज का लुक, तो मैंने पिंक साड़ी पहन रखी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रवि सामंत ब्लॉग्स। होप यू गाइस आर फाइन। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ, और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ मॉर्निंग 7 बजे से। तो अभी धूप आ गई है और मेरा नहाना वगैरह भी हो गया है, तो आज मैं ब्लॉग बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। मतलब लगभग मुझे रवि के जब रवि आए थे उनके जाने के बाद से आज ही बना रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, टाइम ही नहीं होता ब्लॉग बनाने का, और कुछ ऐसा कंटेंट भी नहीं होता कि मैं क्या बनाऊँ हो जाती है, मतलब फ्लो नहीं बन पाता है मेरा। तो आज मैं बना रही हूँ ब्लॉग बहुत टाइम बाद। तो आज का जो मेन ब्लॉग है वो है वट सावित्री के ऊपर। तो आज है वट सावित्री, तो सभी सुहागनों का आज व्रत होगा, तो सभी लोगों को मेरी तरफ से वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी मैं चलती हूँ अंदर, झाड़ू वगैरह तो मैंने लगा लिया है, तो अब लीपना है। मम्मी उल्टी मैं लीप दूंगी, मैं बर्तन लेके आती हूँ मंदिर वाले। और वैसे मेरा ये दूसरा व्रत है, मतलब दूसरा वट सावित्री का व्रत है। पहला वाला आपने ब्लॉग देखा होगा जब मेरा फर्स्ट था, तो आज तो और भी ज़्यादा लोग हैं, पहले तो हम कम ही थे, आज और भी ज़्यादा लोग हैं। तो देखते हैं आज का दिन कैसा होता है मेरा, अब तो पहचान भी लग गई, सबसे पहले तो इतनी पहचान भी नहीं थी। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, आप भी देखिए आगे आगे क्या क्या होता है। तो यहाँ पे को मैंने सुबह झाड़ दिया था और मंदिर में मैंने इसे रख दिया, साफ़ कर दिया, बस यहाँ पे लीपना है। उसके बाद मैं ले जाती हूँ बर्तन धोने के लिए पूजा के नीचे। मैंने बर्तन भी धो दिए मंदिर के, अब पूजा कर लेती हूँ। तो उसके लिए फूल तोड़ते हैं, और देख सकते हो कितने अच्छे पिंक रोजेज हो रखे हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे कोई रेड रोज भी हो रखा है, इसको भी तोड़ते हूँ। सारे फूल तोड़ूंगी चढ़ाने के लिए, और थोड़े से ये वाले छोटे छोटे से, ये देखो कितना मस्त हो रखा है रोज। और धूल भी रखा है मंदिर में चढ़ाने के लिए। सर तो मम्मी ने लीप दिया, तो मैं यहाँ देवी के मंदिर में कर देती हूँ लिपाई, नहा धो के, और उसके बाद पूजा पाठ करूँगी अपना। तो दोस्तों, मैंने देवी के मंदिर में अपनी पूजा कर ली है। सब काज से पहले हम वहीं पूजा करते हैं, और वहाँ जो भी भेंट श्रृंगार सब चढ़ा दिए। अब इधर भी मम्मी ने लीप दिया है, यहाँ बिछा देती हूँ, कारपेट उठाया था मैंने, इसको बिछा के फिर यहाँ करती हूँ पूजा। तो गाइस, मेरी पूजा भी हो चुकी है, और यहाँ पर मैंने अपना कलश भी बना दिया है आम के पत्ते डाल के। इसको मैं ले जाऊँगी घर से वहाँ पूजा करने के लिए पेड़ की, और फूल भी मैंने तोड़ दिए हैं। तो अब थोड़ा सामान जम के आती हूँ मंदिर के लिए, जो जो ले जाना है। तो मैंने मंदिर का सामान भी ये तैयार कर दिया, जो जो मुझे वहाँ ले जाना है पूजा के लिए। और अब मैं होती हूँ रेडी अभी से, क्योंकि रेडी होने में टाइम लगता है, और टाइम तो क्या साड़ी पहनने में लगता है मेन टाइम, जो भी मुझे बिल्कुल नहीं आती है। तो मैं होती हूँ रेडी, आपको दिखा देती हूँ कि मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ। और आज मैं पहनने वाली हूँ ये वाली साड़ी अपनी, वैसे मैंने नई नई बना रखी है कोई, ये है दीपावली की साड़ी, एक ही बार पहन रखी है ये, तो मैं इसको पहनने वाली हूँ। तो मैं फटाफट से रेडी होती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको इसके बाद। तो गाइज, मैं हो चुकी हूँ रेडी, और रेडी आगे ऊपर आ गई हूँ, थोड़ी देर हो गई थी घर पर इसलिए फटाफट आई। और ये है मेरा आज का लुक, तो मैंने पिंक साड़ी पहन रखी है, और पिछौड़ा आ रखा है, और सारे गहने पहन रखे हैं। तो नव्या भी आ रखी है हमारे साथ। तो अभी यहाँ पर हम भूमिया मंदिर के मंदिर में जा रही हूँ मैं, सब भेंट वे चढ़ा के आती हूँ, फिर जाएंगे वहाँ के मंदिर। दिखा ना। तो अब हम जाने लगे ऊपर को, और मीनू मैडम भी आ रखे मेरे साथ, और ये नव्या मैडम, इसका ही व्रत है, तेरा भी है ना व्रत? हाँ बोलो। तो अब चलते हैं ऊपर को, और लोग ऊपर रोड में मिलेंगे हमको। हम जाने वाले हैं ढाड़ीगाड़ मंदिर में, जहाँ पे पिछली बार गए थे वहीं, लेकिन पिछली बार तुमने थे ना, पिछली बार मैं अकेले गई थी ऊपर को। दो लोग और आ गए हमारे साथ ही बड़ी देर में। मैं पीछे तो गाइज, हम निकल गए हैं मंदिर के लिए, सब लोग आ चुके हैं। पिछली बार हम सिर्फ 3 लोग थे, आज पूरे सब पूरे गांव वाले आए हैं। और इनका कलश देखो, कलश दिखाओ ना, इतना बड़ा कलश बस। आज सब है व्रत वाले, पूरे गांव को लेकर आया। जाओ, तनु भी आई है, तनु का भी व्रत है? नहीं, मेरा व्रत नहीं है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, चलो
लेकिन अभी कोई नहीं आ रखा है। अभी सबसे पहले इस बार हम पहुंच रखे हैं, पिछली बार सबसे लेट पहुंचे थे। तो अभी कोई आया तो नहीं है मंदिर में, हम यहाँ पे लगाएंगे पूजा। यहाँ पर है पीपल का पेड़, इसमें लगाते हैं। अभी हम वहाँ रख जाते हैं। सभी ला भारी हो गया। तो सब लोग इधर थे, अभी इनका पल्लू चल रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं कि अभी आने रखे हैं पंडित लोग। कोई खड़े हैं, कोई बैठे हैं। कैसा लग रहा है फिर? बहुत अच्छा, आज तो आपका पहला व्रत है। और हम यहाँ पे मंदिर के सामने बैठे हैं, वैष्णो देवी मंदिर के यहाँ पे। तो दोस्तों पूजा हमारी हो चुकी थी, मतलब पाठ पाठ दी थी, संकल्प ले लिया था। तो अब बारी थी यहाँ पे को फेरे लगाने की। तो यहाँ पे हम अपना अपना रक्षा धागा बांध रहे हैं बट पीपल में और फेरे लेंगे। अरे पिछोड़ कहाँ है तुम? अरे तो पिछोड़ वही। अरे आगे लो बेटे, अरे आगे लो, अरे आगे लो, सामान में तो पहनना है। हाँ जगह थोड़ी छोटी है, चलो अभी ये मम्मी को हो गया। मम्मी दोनों देवरानी जेठानी बिंदी लगा रहे, बिंदी ढोक दो, दो दो ढोक दो। अभी हमारी पूजा हो चुकी है समाप्त और अभी हम जा रहे हैं पानी भरने नीचे नदी में, अपनी घाघरी में।
ये देख कितनी गहरी ताल है ये मंदिर के जस्ट नीचे। यहाँ पे नहीं अभी हम जाने लग गए अब घर को, बहुत तेज धूप लग गई है और मन भी शांत हो गया। मंदिर में जाके पूजा वूजा करके आ गए तो हमारे गांव वाले सब निकल गए घर को थक हार के बेचारे। तो दोस्तों मैं पहुँच गई फाइनली घर पे, कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ और इतनी तेज़ धूप हो रही है ना बाइक गाड़ी देखो इतनी तेज़ धूप में आ रखे हैं पैदल। दोस्तों अभी बजे शाम के 6:30 और वहाँ से आने के बाद ना फोन लाइट चली गई थी, फ़ोन में भी बिल्कुल चार्ज नहीं था, फ़ोन हो गया था मेरा स्विच ऑफ। तो अभी जस्ट लाइट आ रखी है और अभी मैंने फ़ोन चार्ज में लगाया था, इतने दिनों बाद इतने टाइम बाद तो ब्लॉग बनाया उसमें भी लाइट चली गई, फ़ोन ही बंद हो गया मेरा। और अभी अब सीधे शाम का मैं खाना वाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि व्रत भी है। तो आलू रख रखे हैं मैंने, आलू बॉयल करके आलू की गुटकी बनाऊंगी और यहाँ पे मैंने रायता बना रखा है और देखते हैं पूरी बनाऊंगी कि रोटी बनाऊंगी जो भी होगा। और गाइस देखिए मेरी मेहंदी कितनी अच्छी लग रही है, काली बिल्कुल काली कलौटी जैसी। मेरा पति मेरे से बहुत प्यार करता है और मैंने यहाँ पे रवि का नाम भी लिख रखा है। तो वैसे मुझे मेहंदी लगानी आती ही नहीं है बट मैंने ऐसे ही लगा रखी है थोड़ी बहुत बस ऐसे ही। और उसके बाद सब पूजा वूजा करने के बाद मैंने पीला धागा भी बांध दिया था वहीं जो बोलते हैं ना मतलब व्रत पूरा होने के मतलब संकल्प लेने के बाद सारा प्रतिष्ठा होने के बाद फिर बांधते हैं ये। तो ये पीला धागा भी मैंने बांध दिया है, पिछली बार भी बांधा था आप लोगों ने देखा होगा। तो फिर आज का व्लॉग को बस इतना ही रखते हैं, आज का व्लॉग बस इसमें ही था वट सावित्री की जो पूजा थी वहाँ मंदिर तक। आज तो खैर बहुत लोग थे हमारे साथ, पिछली बार हम सिर्फ 3 ही लोग थे, आप लोगों ने पहले का व्लॉग देखा होगा तो आज तो ज़्यादातर सभी लोग थे वैसे। तो इतना ही था आज का व्लॉग, इतना ही रखते हैं अब एंड कर देती हूँ। तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। Ever met somebody like you? But goddamn, you got me.